नमस्कार, वेब दुनिया पड़ताल में आपका स्वागत है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, भारत और अमेरिका का सबसे वांछित अपराधी, 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता दाऊद अब भी कानून के शिकंजे से बाहर है। मुंबई के करीब दर्जन भर ठिकानों पर हुए इन धमाकों में 250 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यूँ तो दाऊद अपने ठिकाने बदलता रहता है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वह इन दिनों पाकिस्तान में ही रह रहा है। आखिर क्या है इस भगोड़े डॉन का अतीत, इस बार की पड़ताल में हम यही बताने जा रहे हैं। 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के मुमना कस्बे में जन्मे दाऊद इब्राहिम कास्कर की उम्र इस समय करीब 59 साल है। ये आतंकवादी सरगना और कुख्यात अपराधी अमेरिका द्वारा जारी आतंकवादियों की सूची में भी शामिल है। दाऊद 2010 की फोर्ब्स सूची में ओसामा बिन लादेन और मेक्सिको के ड्रग तस्कर जोकिन गजमन के बाद तीसरा मोस्ट वांटेड व्यक्ति था। मुंबई पुलिस में हवलदार रहे इब्राहिम कास्कर और अमीना बी के 7 बेटों और 5 बेटियों में से एक दाऊद भाइयों में दूसरे नंबर का है। उसका बड़ा भाई शब्बीर 80 के दशक में गैंगवार में मारा गया। उसकी माँ बहन सईदा और हसीना पारकर की भी मौत हो चुकी है। दाऊद के भाई अनीस, नूरा, इकबाल और मुफ्तकीम उसके काले कारोबार में सहयोगी रहे हैं, जबकि सबसे छोटे भाई हुमायूं का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन वह अपने भाई की कमाई पर ही पलता है। आतंक का सरपरस्त दाऊद न सिर्फ नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध वसूली, हत्याओं आदि में शामिल रहा, बल्कि भारत विरोधी इस्लामी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा को आर्थिक सहायता भी पहुंचाता रहा। एक समय अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से भी उसके करीबी संबंध रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार दाऊद और लादेन के बीच लेन देन भी हुआ था, और इस अपराधी सरगना ने 1990 के दशक में तालिबान की देखरेख में अफगानिस्तान की यात्रा की थी। दाऊद ने करीम लाला की गैंग से अपराध की काली दुनिया में कदम रखा, जो उस समय मुंबई का डॉन था। हाजी मफ्तान गैंग के साथ भी दाऊद के करीबी रिश्ते थे। 1980 के दशक में दाऊद मुंबई का डॉन बन गया। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब सट्टा बाजार से लेकर शेयर बाजार तक सब कुछ उसके इशारे पर चलता था। धीरे धीरे बॉलीवुड पर भी उसने अपना प्रभाव जमा लिया। फिल्मी सितारों का उसकी पार्टियों में जाकर नाचना आम बात थी। CBI की माने तो 5 फुट 4 इंच के इस अपराधी सरगना की बाईं भौं पर तिल का निशान है, और वह हत्या, फिरौती, जालसाजी और धोखाधड़ी के अपराधों में शामिल रहा है। हालांकि बाद में वह भारत छोड़कर भाग गया और विदेश से टेलीफोन पर ही अपने अपराध के साम्राज्य को संचालित करने लगा। पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में है, मगर हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दाऊद के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर दावा किया है कि यह कुख्यात माफिया डॉन इन दिनों पाकिस्तान के मोरी रोड इलाके में रह रहा है। मोरी रोड इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच स्थित है। यहाँ ISI का एक बड़ा दफ्तर है, साथ ही यह इलाका डिफेंस एरिया भी कहलाता है। यही एक आलिशान फार्म हाउस में रह रहा है दाऊद। भारत के बढ़ते दबाव के कारण पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। डॉन को 18 गाड़ियों का सुरक्षा काफिला उपलब्ध कराया गया है। इसके बदले में ISI दाऊद से तगड़ी प्रोटेक्शन मनी वसूलती है। दाऊद आमतौर पर शाम और रात के समय ही सक्रिय रहता है। उसके पास 12 पासपोर्ट हैं, जिनमें 6 भारतीय, 4 पाकिस्तानी और 2 दुबई के हैं। पाकिस्तान में दाऊद की रिश्तेदारी भी है। दाऊद की बीवी का नाम महजबीन उर्फ जरीना, बेटियों के नाम महरूख और महरीन है, तथा बेटे का नाम मोइन है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद के साथ दाऊद की बेटी महरूख की शादी दुबई में हुई थी, जबकि बेटे मोइन का निकाह कराची में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की कई बड़ी हस्तियाँ शरीक हुई थी। पड़ताल की यह कड़ी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।